हेलो गाइस, दिस इज राहुल राठौर राम। तो कैसे हो आप सब लोग। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो लेट हो गया उसके लिए सॉरी। तो मैं अभी आपको अपने घर के बारे में, मतलब जो मेरा घर है उसमें एक रूम है जहाँ पे मतलब थोड़ा कबाड़ था, तो मैंने उसको साफ उफ किया, तो उसको अभी मैंने कल साफ किया था, परसों वाले दिन साफ किया था। तो कल परसों दो दिन लगे इसको साफ करने में, बहुत टाइम लगा था। उसके बाद मैंने ये डंबल बनाया है मिट्टी का, और ये डंडा है रोड के काम आता है, और वो प्लेट और वो छोटा सा है उसको मतलब मैं डंडे में फंसा के मतलब जो भी उससे वेट बढ़ जाता है। और हमारा प्यारा सा पंचिंग बैग जो है, दिखाता हूँ, तो ये रहा पंचिंग बैग। कल मैंने इसको इतनी तेज़ी से मारा था कि मेरा हाथ फूट गया था, तो यहाँ पे कल खून ही खून था। तो मैंने इसको पानी से धोया, पर इसमें मट्टी नहीं भरा है, इसमें भरा है बजरी। आपको पता है बजरी क्या होता है, दिखाऊँ? मतलब बजरी तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो यहाँ पे मारता हूँ तो पूरा एकदम, देखो आपको दगान तो दिख ही रहे होंगे, कितना वाइट वाइट हो रखा है, और सच में इतना जोर लगता है। ये पूरा फट गया था, पर फिर भी ठीक हो गया है। कोई बात नहीं, दर्द मिलेगा तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और ये जैसे बोलते हैं अलमारी या कबाड़ जो भी बोल लो इसको, मतलब मैं अपने पानी हो गया और मतलब सामान हो गया यहाँ पे रखने के लिए, और अपनी टी शर्ट को मैं उधर टांग देता हूँ। वहाँ पे दो खुट्टी लगाए, स्टैंड लगा खुट्टी वाला, और ये रहा बेंच। मतलब इसको मैंने बस ऐसे यूज़ करता हूँ, एक तख्ता था तो मैंने उसमें एक कील लगाया और एक नीचे डंडा लगाया, उसको ज़मीन में गड़ाया। डंडा लगाने के बाद ये पूरा बन गया है बेंच, और मैं इस पर आराम से बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, जो भी मतलब करना होता है आराम से बैठ के ही करता हूँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना हिलता है ना कुछ। और देसी है ये, देसी मतलब देसी फिटनेस। और ये डंबल है, हाँ ये डंबल काफ़ी हैवी है, मतलब 7, 7.5 तो है, 7 किलो का तो आराम से ही है। और ये प्लेट भी है, एक है 7 किलो की, मतलब 2 है प्लेट तो 14 किलो हो जाता है, 7.5 का तो नहीं, 7 का तो है ही, तो 14 हो जाता है। और ये है, ये मेरे ट्राइसेप और मतलब शोल्डर के काम आ जाता है, क्योंकि शोल्डर में लाइट वेट यूज़ करता हूँ, तो पहली बात तो मैं लाइट ही वेट यूज करता हूँ क्योंकि इतना भी स्टेमिना नहीं है। और उसके लिए मैं ट्राइसेप के लिए और ये डंबल मैं छोटे छोटे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एक्सरसाइज मैं कैसे करता हूँ, उसके लिए बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं फिर। और आपको एक ज़रूरी बात तो बताने रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया है जो फुलवारी लगाई है, वो मैंने कल लगाई थी, तो अभी उसमें तो मतलब जान नहीं पड़ी है, शायद पड़ गई हो, मुझे पता नहीं, वो आपको दिखाता हूँ, देख लो कैसी है। ये है SARS-CoV-2। तो कैसी लगी मेरी फुलवारी, मतलब जो अभी लगा नहीं है और उसमें फूल आएगा, तो मैं उसका भी वीडियो एकदम लाइन से प्यार से बना के डालूंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना, मतलब दबाना पड़ेगा, टन टन बोल जाए, उसके बाद घंटा बोलता है आवाज़ नहीं आता, पर उसे वाइट कर देना है। और उसके बाद हमारी प्यारी सी वीडियो के लिए शेयर और एक कमेंट करके जरूर जाना कि हमारा जिम कैसा लगा आपको। हेलो गाइस, पता है आपको क्या हुआ था, अब ये मेरा पंचिंग बैग ऊपर था, नीचे आ गया यार, यहाँ से मैंने लकड़ी के ऊपर रखा था, इसके ऊपर धड़ाम से नीचे गिर गया, बढ़िया चोट नहीं लगा, थोड़ा बहुत खरोच आ गया, वो किसी दूसरे के लगाए। उसने बोला ना मुझे, मेरा शकल मत दिखाना, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना और उस बंदे को जानते भी हो आप, तो समझ जाना ठीक है ना, क्योंकि अभी उससे पंचिंग बैग टंगवाऊंगा। भारी है, अभी टांगा है उठा के, लमसम 40 किलो का तब भी होगा, अकेले ही टांगा है, उस बंदे ने भी टांगा जिससे गिरा था। Hey guys, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एक्सरसाइज, पहले करूंगा वाई शेप से।
इसको मैं बेट लगाने के लिए काम करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा पास करता हूँ और इधर लगा देता हूँ और इसको इधर, अब किस वाले डोली पाना, और क्योंकि मेरे को टी शर्ट निकालने में जो मजा है। ये उस दिन यार टूट गया था तो मैंने उसको धागे से बांधा। पीस पीस के तीन सेट लगाता हूँ। अब करूँगा चेस्ट की एक्सरसाइज, तो मैं इसको इसमें डालता हूँ और बेंच पे लेटूंगा, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा। चल पड़ता कल तो मेरा यहाँ से ब्लड निकलने लगा था, आज तो पता नहीं निकलेगा या नहीं, क्योंकि इसमें मैंने दिखाता हूँ क्या भरा है। इसमें मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो गिट्टी के हैं, जो मारने में मजा है वो तो मारने वालों को पता है। एक बार अनमोल ने भी मारा था, जो कभी इस टाइम फोन पकड़ रखा है ना, तो उसने उसका हाथ फूट गया था। देखो यार कल की तरह फिर आज ब्लड आ गया। हाँ बस एक घंटे में पूरा बदन रेड रेड हो रहा है, ये सब रेड हो गया है। हाँ तो काफी अच्छा, मतलब जिम जैसा ही फील होता है, पर यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, पर जिम जैसा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अपना घर है तो अपना जैसे मर्जी वैसे करो। और मैं पैक की एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि घर पे पैक की एक्सरसाइज करना बहुत ही सिंपल होता है। और मैं पुलअप भी मारता हूँ, ये वीडियो देखो कैसी लगी उसके बाद बताओ। मुझे बहुत डेंजर लगे थे, क्योंकि उसमें एक बंदे ने रोका भी था, पर मैंने किया क्योंकि मुझे रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है इसीलिए। और हाँ, सिक्स पैक वाली वीडियो के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो। और ये वीडियो में यही